हिप हिप हुर्रे हिप हिप कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम कैसा रहा? कैसा था? अब तक तो अच्छे माहौल में परीक्षा हुई, एकदम फेयर हुई, किसी तरह का कदाचार यहाँ नहीं हुआ। गार्जियन ने भी सहयोग किया और बच्चे भी इस बार अलर्ट थे, बच्चे भी अलर्ट थे कि हमको चोरी करना ही नहीं है, कदाचार नहीं करना। और हम लोगों ने सख्ती से सबकी जांच पड़ताल की, कोविड का भी ख्याल रखा, सैनिटाइजर है सारे लोगों की। कहते हैं ना, हर एक सुबह आपके जीवन की एक नया अध्याय शुरू करती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका आज का दिन लाजवाब हो। मेरी शुरुआत कुछ अध्ययन और कुछ अध्यापन के साथ शुरू हुआ। जो पढ़ रहा है वही करता है, जो पढ़ रहा है वही करता है, यानी सब्जेक्ट। तो क्या है? सब्जेक्ट। जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट। और पढ़ने का काम किस पर होता है? ये यही जो पढ़ रहा है, जो पढ़ता है वह उसका फल किस पर पड़ रहा है? वो ऑब्जेक्ट है, नहीं बुक पर। क्या अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो, खुला क्या है? किताब खुला है, यानी कि बेंच चेक खुला हो, किताब बंद कर दे पढ़ाई भी। इसीलिए जब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, किसका पत्ता के करने से। अध्यापन के पश्चात मैं आज अपने कुछ घरेलू कार्यों में ही लगा रहा, इसलिए आज शाम 4 बजे मैं बाहर निकला। आज मैट्रिक परीक्षा का 5वां दिन था और विषय था हिंदी। मैं पहुंचा श्याम सुंदर विद्या निकेतन। कैसा क्वेश्चन था? अच्छा क्वेश्चन, अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम। किस विद्यालय से हो? बढ़िया बढ़िया। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम कैसा रहा? प्रश्न कैसा था? प्रश्न कैसा था? बढ़िया था। तुम लोग कहाँ से हो? किस विद्यालय से? रहमतपुर। कहाँ पर? किस विद्यालय? महमदपुर। कैसा रहा एग्जाम? प्रश्न पत्र कैसा था? बहुत बढ़िया था। कठिन था कि भारी था? ना सब होले ही सब। छूटा भी कुछ? ना एक और नहीं छूटा। फिर मैंने कुछ बड़े ही उत्साही छात्रों से बात की और उनका फीडबैक लिया। इसके पश्चात मैंने वहाँ के केंद्राधीक्षक सह प्रिंसिपल से बात की। तुम लोग किस विद्यालय से हो? प्राथमिक विद्यालय अति उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय महतपुर। कैसा रहा एग्जाम? मस्त। क्वेश्चन कैसा था? मस्त, बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया, सबका जवाब दे दिया। सबसे अच्छा विषय कौन सा गया इस बार? हिंदी गया। हिंदी? आज का पेपर? इंग्लिश कैसा हुआ? इंग्लिश भी ठीक ठाक रहा। आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद इकबाल। आप यहाँ के केंद्राधीक्षक? मैं यहाँ केंद्राधीक्षक हूँ, मतलब प्रधानाध्यापक हूँ। जो प्रधानाध्यापक होते हैं केंद्राधीक्षक होते हैं।
सर, अब तक 4 दिन की जो परीक्षाएं हुई हैं जी जी, वो किस प्रकार से हुई हैं, कुछ पत्र बताएंगे इस बारे में? 17 तारीख से मैट्रिक की परीक्षा आरंभ हुई जी, सिटिंग 9:30 बजे से 12:45 तक जी, और सेकंड सिटिंग 12:45 से 5 बजे तक। अब तक तो अच्छे माहौल में परीक्षा हुई, एकदम फेयर हुई, किसी तरह का कदाचार यहाँ नहीं हुआ। गार्जियन ने भी सहयोग किया और बच्चे भी इस बार अलर्ट थे, बच्चे भी अलर्ट थे कि हमको चोरी करना ही नहीं है, कदाचार नहीं करना। और हम लोगों ने सख्ती से सबकी जांच पड़ताल की, कोविड का भी ख्याल रखा, सैनिटाइजर है, सारे लोगों की का चेक जो है हम लोग वहाँ कर लिया है ना, क्या कहते हैं उसे, थर्मो स्कैन करके वहाँ से सबको क्लास में दिया। फिर क्लास में भी सघन जाँच होती है जी, और वीक्षक लोग भी एक घोषणा देते हैं कि मेरे द्वारा जांच कर ली गई है, किसी बच्चे के पास कोई चीट पुर्जा किताब या कैलकुलेटर आपत्तिजनक कोई भी वस्तु नहीं है। और हम लोग स्टेटिक मजिस्ट्रेट CS और उप CS हमारे ये हैं समीम सर, हम लोग घूमते रहते थे बराबर, इसलिए अब तक अच्छे माहौल में बेहतरीन ढंग से, आप बच्चे भी खुश, चूँकि सारे बच्चे ये जान चुके थे कि कोरोना में पढ़ाई तो नहीं हुई, लेकिन सबने स्टडी घर पर की है ऐसा लगता है। अच्छा। अब और अधिकतर बच्चे खुश थे कि क्वेश्चन अच्छा किया है, और मैक्सिमम बच्चे हमको उम्मीद है कि पास करेंगे। इस बार बिहार के कुछ केंद्रों से पेपर लीकेज की उड़ती खबर आई, या फिर सही या गलत ये बताया नहीं जा सकता, क्या उसका कोई असर यहाँ पड़ा है? हम लोगों ने भी इधर उधर से सुना के कहाँ हुआ, इस वजह से हम लोगों ने और सख्ती कर दी कि यहाँ से किसी तरह का और कोई समस्या नहीं हुई, और कोई भी पेपर यहाँ लीक नहीं हुआ। पदाधिकारी भी बार बार आते थे, और हमको देख रहे हैं कि पिछले साल भी अच्छे ढंग से हुआ, और इस बार तो और हम लोगों ने कड़ा कदम उठाया, किसी तरह की कोई क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ। इस बार प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त थे, यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और SDM वगैरह, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, इन लोगों के बराबर भ्रमण रहा, तो हम लोगों के लिए भी ये अच्छी बात रही, हम लोग भी अलर्ट रहे, बच्चे भी अलर्ट रहे, इसलिए प्रशासन का बेहतरीन रोल रहा इसमें, और सारे लोग यहाँ स्टाफ लोग भी खुश हैं, इन्हें इस तरह का चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। एक प्रश्न है जो कि सभी गार्जियन पूछते हैं कि हम लोग यहाँ लगभग जब परीक्षा शुरू होती है, हम बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं, लगभग रोज आते हैं, हाँ, 4-5 घंटे बाहर बिताना पड़ता है, तो क्या यहाँ के केंद्राधीक्षक प्रशासन से कुछ डिमांड करती है कि उसके लिए कोई मूवेबल शौचालय या पानी की ऐसी कोई व्यवस्था करे, यद्यपि उनको मालूम है कि 1 किलोमीटर के रेंज में 144 धारा लागू होती है, क्या ऐसा आपने कोई अनुरोध किया है? हमने जिला प्रशासन ने अनुरोध किया कि सदर अस्पताल में सुलभ शौचालय है, सदर अस्पताल है, और भी एक जगह यहाँ पे खाली जगह है घंटाघर के पास, वहाँ भी इस तरह का सुलभ शौचालय या चलित शौचालय रखा जाए, और कुछ शेड बना दिया लोगों के बैठने के लिए। और यहाँ तो हम क्या कहते हैं 9:45 बजे ही एंट्री देते हैं, 9:20 तक यहाँ एंट्री बंद है, 9:20 के बाद यहाँ तो हम दे नहीं सकते। वहाँ से निकले, घंटाघर पहुँचे, अभी घंटाघर से लाजपत की ओर कुछ दूर चला ही था कि सामने एक पोल, बिजली पोल, आग की लपटों में लहला रही थी। शॉर्ट भी नहीं लग रहा है, शॉर्ट लगेगा पर से लाइन कट जाएगा, उसी जगह उसी जगह उसी जगह तार लह रहा है, तो लग जाए तब ना, शॉर्ट लगे तब अपने कर, अरे 3 फेज होगा ना, इतना जाल जंजाल बिठा के बैठा है ना, अरे निकलो भाई, विचित्र आदमी सब है, गिरेगा देह पड़ता। लाइन कटा, लाइन कट लो रहा, कट गया ना, हेलो सागर जी बोल रहे थे ना, ये कुमार नरसिंह होम के जस्ट बगल वाला पोल में बहुत ज़्यादा आग लग गया था, लाइट कट नहीं रहा था, लेकिन अभी तुरंत कट गया, आग जल रहा है, बोलिए ना, तार पूरा जल रहा है, पूरा आग पोल में लगा हुआ है।
मसाक्षा घंटाघर मसाक्षा की। फिर मैं पहुंचा लाजपत पार्क। लाजपत पार्क के मैदान में एक छोटा सा मैदान, लेकिन बच्चों से जीवंत था। आगे से पीछे आगे आगे को आप ले आगे से आगे आगे हां आगे से आप जी बैठ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नेक्स्ट डे।